एवरीवन, दिस इज नुशरत एंड यू आर वाचिंग एमके एडुकेयर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड एवेनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक कुआं है, ओके, और इस कुएं की डायमीटर है 3 मीटर। आप देख सकते हैं, जस्ट आई हैव ड्रॉन फॉर यू। एक कुआं है जिसकी एक वेल है जिसकी डायमीटर है 3.5 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ, 3 की हाफ कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। और इसकी डेप्थ गिवन है। इस कुएं को अगर हम अंदर से देखें तो इसकी डेप्थ यहां से लेकर यहां तक, इस कुएं की डेप्थ है 14 मीटर। डायमीटर है 3 मीटर, डेप्थ है 14 मीटर, रेडियस हो जाएगी 1.5 मीटर। क्लियर है यहां तक? अब कहते हैं कि इससे जो अर्थ टेकन आउट की जाती है, इससे जो मिट्टी निकाला जाता है, ओके, उस मिट्टी को स्प्रेड कर, ओके, इस मिट्टी को स्प्रेड कर उसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है, बांध, ओके, चारों तरफ। आपने देखा होगा, गांव में अगर कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे कुएं के चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ इस तरह से गोल गोल रिंग टाइप का बना होता है जिसपे लोग बैठते हैं। यस और नो? बैठते हैं, अपने बकेट रखते हैं, अपने टब रखते हैं, जो कुछ भी रखना हो, ओके, हम इस पे रखते हैं, ओके। अब जाए, गांव जाए, एक्सपीरियंस लें इसकी, अब लाइफ देख सकते हैं वहां पे, राइट। नौ, क्वेश्चन कहते हैं कि जो एम्बैंकमेंट बनती है, ओके, वो शेप ऑफ सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग की तरह है, चारों तरफ इस तरह से गोल गोल है, सर्कुलर रिंग की तरह है, राइट। और इसकी विथ जो है 4 मीटर, ये सर्कुलर रिंग की विथ कितनी है, 4 मीटर है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट, इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है, कितनी हाइट है, चौड़ाई 4 मीटर है और हाइट कितनी है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, हमें निकालनी है जिस मिट्टी, जितनी गहराई कुएं की है, ओके, मीन्स गहराई जो भी, जितनी वॉल्यूम कुएं की है, ओके, मीन्स जितनी मिट्टी कुएं की होगी उतनी हमारी वॉल्यूम होगी इस सर्कुलर रिंग की, यस और नो? और इस सर्कुलर रिंग की जो चौड़ाई है 4 मीटर है और हाइट गिवन है, हमें हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। अगर हम ध्यान से देखें कि इसकी चौड़ाई 4 मीटर है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 मीटर चौड़ाई है, अंदर से हम लेंगे यहाँ से, ये है रेडियस है, 1.5 अंदर की रेडियस है और बाहर कितनी है, 4 मीटर। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, बाहर वाले और अंदर वाले, ओके, टोटल कितनी रेडियस हो जाएगी इसकी, 4 में अगर हम 1.5 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1.5। 4 में अगर 1.5, क्योंकि अंदर की रेडियस कितनी है, अंदर की रेडियस है 1.5, जब हम 4 में 1.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.5 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक स्क्वेयर की रेडियस हो जाती है 5.5। लेकिन हमारे पास इतनी तो वैकेंट है ना, हमारी रिंग तो इतनी ही है, इतनी तो खाली है, तो इस रिंग की हमें वॉल्यूम निकालनी है, रिंग के साथ साथ हमें कम्प्लीटली अंदर तक निकालनी है, हाइट तक, टोटल हाइट तक, ओके, वॉल्यूम निकालनी है। लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं, हमें हाइट पता करनी है, वॉल्यूम तो निकालनी होगी लेकिन वॉल्यूम के थ्रू हमें हाइट बतानी है। चलिए, इतनी तो हमें पता है कि जितनी इस कुएं की वॉल्यूम है उतनी उस एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम है, जितनी मिट्टी की वॉल्यूम होगी उतनी इस एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम होगी। अब दोनों की वॉल्यूम को हम इक्वेट करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो इन इंट्रोडक्शन क्लासेस वी हैव डन, ओके, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर रिंग, किस तरह से हम सर्कुलर रिंग की वॉल्यूम निकालते हैं। जब दो सर्कल गिवन हो, एक एक्सटर्नल हो, एक इंटरनल हो, एक बाहरी सर्कल हो, एक अंदर सर्कल हो, ओके, और दोनों सर्कल के बीच में अगर रिंग बनती हो तो हम कैसे निकालेंगे इस रिंग की वॉल्यूम। देन इस रिंग की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ अगर हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ लेते हैं तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, बड़ी रेडियस, यहाँ से यहाँ बाहर वाले सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक है और अंदर वाले सर्कल की रेडियस बस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके, और बिग वाली की रेडियस यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे, हमें तो सिर्फ रिंग की निकालनी है, इतनी तो खाली है, हमें तो सिर्फ रिंग की रेडियस निकालनी है, इतनी तो खाली है, तो हम रिंग की रेडियस कैसे निकालेंगे, मीन्स इस रिंग की एरिया कैसे निकालेंगे। हमें तो सिर्फ रिंग की एरिया निकालने हैं, ओके, और रेडियस भी हमें इतनी ही लेनी है, क्योंकि ये तो हमें, ये तो है ही नहीं, रिंग तो हमारी इतनी ही शेप में है, आप देख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बाहर वाले सर्कल हम लेते हैं, बाहर वाले सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर,
कैपिटल आर हमने सपोज किया है बाहर वाले सर्कल के लिए रेडियस बाय आर स्क्वायर कैपिटल आर में, और अंदर वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस को हमने आर सपोज किया है स्मॉल आर, सो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर में क्या चीजें कॉमन है, हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन पाई है, तो हम क्या करेंगे इसे बाहर निकालेंगे एंड कैपिटल आर स्क्वायर में से माइनस करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर, देन हमें रिंग की एरिया मिल जाती है। लेकिन ये कंप्लीटली सिर्फ रिंग नहीं है, रिंग के साथ हाइट भी है, सिलिंड्रिकल शेप है, ये सिलिंड्रिकल शेप है, एम्बैंकमेंट एक सिलिंड्रिकल शेप है, इसलिए साथ ही साथ पाई आर स्क्वायर के साथ साथ हमें एच भी मल्टीप्लाई करने होंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वैल्यू के साथ साथ एच भी लेना होगा, तभी हमें इस रिंग की कंप्लीट वॉल्यूम मिल जाएगी, मीन्स एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम। चलिए सो कैसे करेंगे, चलिए लेट्स स्टार्ट। इसलिए हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल, और हम स्वेल भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल और स्वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, जितनी इस मिट्टी की वॉल्यूम है इस वेल की वॉल्यूम है उतनी होगी एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वेल क्योंकि सिलिंड्रिकल है इसलिए यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, वेल के लिए, वेल की वॉल्यूम मीन्स वेल के डायमीटर बस इतना ही है, रेडियस 1.5 मीटर आएगा, सो पाई आर स्क्वायर एच, और इस रिंग के लिए इस एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम निकालने के लिए हम लेंगे पाई आर वन आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इन टू एच, ये सिर्फ ऊपर वाली गोलाई के लिए है और साथ ही साथ एच है, तो इस सिलिंड्रिकल रिंग की जो एम्बैंकमेंट की शेप में है उसकी वॉल्यूम हम इस फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। ठीक है, नौ पाई की वैल्यू हम देख सकते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें लेनी नहीं है, हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, हम ध्यान से देखें तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन है, दोनों में पाई पाई कॉमन है, तो पाई पाई को हम कैंसिल आउट करेंगे। ओके, नौ रेडियस कितनी है, इस वेल की रेडियस कितनी है 3/2, सो 3/2 स्क्वायर में है, हम रिटर्न करेंगे 3/2 × 3/2 × हाइट, हाइट कितनी है, इस डेप्थ कितनी है इस वेल की, डेप्थ ही हाइट है, सो डेप्थ कितनी है 14। चलिए नौ कैपिटल आर स्क्वायर कितनी है 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कितनी है 1.5 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट हम एज इट इज रिटर्न करेंगे। नौ अब हम इसे ध्यान से देखें, कैंसिल आउट करेंगे 2 7 14 2 7 14, नौ 3 3 9 9 7 63 63 by 2। अब हम यहां पे अगर ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, देख सकते हैं 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म में है, कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये है इस फॉर्मूले पे बेस्ड, यू कैन सी हियर, हम देख सकते हैं कि 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पे बेस्ड है ना a माइनस बी। अगर हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5.5 का स्क्वायर और b कितनी है 1.5 का स्क्वायर, जब हम इसे इस फॉर्मूला पे रिटर्न करेंगे तो क्या आएगा 5.5 प्लस 1.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5, यस और नो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a सपोज करेंगे इसे b सपोज करेंगे, सो 5.5 प्लस 1.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5, और सेम यहाँ पे हमने कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसे हमने ए सपोज कर लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ए प्लस बी 5.5 प्लस 1.5 इंटू ए माइनस बी 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच, नौ 63/2 इक्वल्स टू 63/2 इक्वल्स टू 6.5 प्लस 1.5, अगर हम ध्यान से देखें 5.5 एंड 1.5, जब हम 5.5 एंड 1.5 को ऐड करेंगे देन क्या आएगा 5 + 5 जीरो का जीरो कैरी 1, 5 1 6 6 1 7 7.0, जिसे हम सिंपली 7 भी ले सकते हैं, राइट, एंड 5.5 में 1.5 माइनस करेंगे, 5.5 में 1.5 माइनस करेंगे क्या आएगा 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 एंड 5 में से 1 माइनस करेंगे 4.0, जिसे हम 4 सपोज कर सकते हैं, 7 and 4, सो क्या मिलती है हमें वैल्यू 5.5 प्लस 1.5 को ऐड करने पे 7 आते हैं और 5.5 में से 1.5 माइनस करते हैं 4 आता है, सो 7 × 4 × 8। नौ अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू कैन सी हियर, ये इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये साइड क्या बच जाएगा 63, सो 63 इक्वल्स टू 7 × 4 × 2
टू को मल्टीप्लाई कर दिए इनटू एच. अब हमें चूंकि एच की वैल्यू निकालनी है सो एच को हम ये साइड लेकर जाएंगे. देयर फोर एच इक्वल्स टू इस पूरी वैल्यू को इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा. 63 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 इंटू 2. कैसे डिवाइड करेंगे? 7 वन जा 7, 7 नाइन जा 63, 7 नाइन जा 63. क्या बच गया? 9 बाय 4, 2 जा 8, 9 बाय 8. 9 को 8 से डिवाइड करने पे हमें मिलती है 1.125. 1.125 ये मीटर में है और ये हाइट है. सो हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट इज 1.125 मीटर. हेंस हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू 1.125 मीटर.